चंदा मुजफ्फरनगर के चरथावल ब्लॉक स्थित बिरालसी गांव में आज किसान स्वाभिमान एसोसिएशन की बिरालसी में बैठक हुई, जिसमें पदाधिकारियों के चुनाव पर विचार हुआ। बैठक में मुख्य मुद्दा रहा संगठन को आगे बढ़ाना और किसान मजदूरों की लड़ाई को सुनियोजित तरीके से लड़ना और आगे बढ़ाने का, जिसमें कृषि बिल पर भी चर्चा हुई। जिसके लिए तय हुआ कि कृषि बिल पर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया जाएगा, जिसमें MSP निर्धारण को बिल में शामिल कराने का ज्ञापन दिया जाएगा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अमरीश राणा, अध्यक्ष किसान स्वाभिमान एसोसिएशन। जी अमरीश जी, किस तरह की आज बैठक की गई? जी आज बैठक बिरालसी में हमारे जो है एसोसिएशन के विस्तार को लेकर के थी, जिसमें हमें ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव करना था और ग्राम अध्यक्ष का चुनाव करना था बिरालसी में, जिसमें आज हमने सभी सदस्यों की सहमति के आधार पर कुटेसरा से मासूम त्यागी को ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। तो हमें मासूम त्यागी जी से अपेक्षा है कि ये संगठन के विस्तार को लेकर के ब्लॉक में सही कार्य करेंगे और मेहनत और ईमानदारी के साथ में अपने कार्य को और संगठन के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। कितने पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है साहब? अभी तक हमने सिर्फ एक ही ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक में बनाया है, मासूम त्यागी जी को, और हमारी कार्यकारिणी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन सभी का एक ही मत था कि एक एक आदमी जो है पदाधिकारी इसमें जो है विचार विमर्श के उपरांत ईमानदारी के साथ में चयन किया जावे और एक ईमानदार व्यक्ति को ही जिम्मेदारी दी जावे संगठन की। किसान हितों के लिए क्या क्या आपके मुद्दे हैं? किसान हितों के लिए हमारे जो मुद्दे हैं, जिसमें किसानों की गन्ने की समस्याएं हैं सर्वप्रथम, तो फिर उनकी धान की समस्या है, किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के हम अपना जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अपना जो है कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी किसी अधिकारी को ज्ञापन वगैरह? हाँ, हम जिलाधिकारी महोदय को भी किसानों के मुद्दे को लेकर के ज्ञापन देंगे और कृषि बिल पर भी हम अपना एक ज्ञापन देंगे, जिसमें हम अपने वहाँ पर संगठन के विचार व्यक्त किए जाएंगे जिलाधिकारी महोदय। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन